मंगलार्थी भाइयों, 11 प्रतिमाओं की क्रमशः चर्चा करते हुए हम 8वीं प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा। मैं कुछ पहले प्रश्न पूछूंगा आपको और फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कल टोडरमल जी साहब की दृष्टि में हमने कुछ देखा था, और वह क्या प्रकरण देखा था, टोडरमल जी साहब का क्या कहना है इसमें, वैसे आपको जानकारी होगी। ब्रह्मचर्य के पहले हमने विवाह का स्वरूप देखा था, उसी प्रकार आरंभ त्याग प्रतिमा को देखते समय हम आरंभ का स्वरूप देख रहे हैं। पहले तो आरंभ का स्वरूप बताते समय टोडरमल जी साहब का इसमें क्या दृष्टिकोण टोडरमल जी साहब ने पेश किया था यहाँ पर। बहुत अच्छा, 2-3 हाथ ऊपर है, बस आप लोग नहीं बता सकेंगे। एक हिंट दे रहे हो चाहो तो, एक हिंट दो भैया, एक आमन सबको हिंट। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, टोडरमल जी साहब ने इसमें कुछ कहा था। अर्थ का पक्षपाती कहता है, धन कमाने से ही सब कार्य की सिद्धि होती है, धनवान के ही निकट आकर अनेक पंडित रहते हैं, इसलिए धन कमाने का उद्यम करना, शास्त्राभ्यास का उद्यम करने की अपेक्षा भी धन कमाने का उद्यम करना न धर्मो धार्मिके बिना। अब ये कह रहा है न धर्मो धनी के बिना, नहीं समझ में आ रहा, धनिक के आश्रय से ही सब होगा, पैसा ही खड़ा है, नहीं तो पंडितों को कौन पूछता है। आज पंडितों को भी पगार देकर वही तो रखते हैं, वही नहीं रखेंगे तो कौन देगा। इसका उत्तर टोडरमल जी साहब ने किस प्रकार दिया था, अब तो कोई नए हाथ ऊपर दिखे मुझे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुषार बताएंगे, बताओ भाई बताओ। हाँ, एक पक्ष उन्होंने ये भी रखा था वैसे, लेकिन और अन्य अन्य पक्ष, आपका ये कहना है दान देने के लिए नहीं कमाना, सह स्वयं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अथवा आज तक स्वयं पाप में कमाया हो और आज एकदम धर्म जागृति हुई तो अभी कमाने का चक्कर नहीं करना, कमा कमा के पाप कर करके पुण्य करना। इसके लिए कौन सी उपमा दी थी हमने, स्नास्यामिति विलिम्पति इष्टोपदेश, सो शरीरम सपंकेन, क्या छंद था वो, त्यागाय श्रेय से वित्त मवित्त संचिनोति। ऐसा पागलपन है कह रहे तुम, इसके लिए नहीं करना। एक पक्ष तो ये हो गया, और बैठिए, 3-4 पक्षों को हमने उभारा था। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका आप अध्ययन करिए, समय होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा पेज नंबर 24 पर सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ। बराबर, बराबर, बहुत अच्छा, नाइस। उन्होंने कहा था जहां पर लोभी पंडित और अविवेकी सेठ हो वहां पर तो ऐसा होगा, लेकिन जहां पर विवेकवान सेठ हो और शौच धर्म के निष्प्रही विद्वान हो वहां पर वे ऐसा कदापि नहीं होगा, कोई अधीनता वे स्वीकार नहीं करेंगे। बैठिए, वहां पर तो हजे हजे करेंगे वे। और ये कहा था, अरे इंद्रादिक भी शास्त्र स्वाध्यायों की महिमा करते हैं, तुम कहाँ साधारण की बात करते हो। और कोई पक्ष उभारा था उन्होंने, किस प्रकार फटकारा था, रे पापी धन तो कुछ तेरे उत्पन्न किया उत्पन्न होता नहीं है, धन तो भाग्य से उत्पन्न होता है, और भाग्य नाम भी भाग्य कैसे होता है, शास्त्राभ्यास करने से होता है, और तू पापी शास्त्राभ्यास को हटाकर धन कमाने का उद्यम करता है। टोडरमल जी साहब ने 2 जगह कहा था शास्त्राभ्यास करने का उद्यम करना, और एक बात कही थी स्यादवाद शैली की, बोलिए, और सर्वथा ही ऐसा ना बने तो थोड़ा बहुत न्याय नीति संतोष पूर्वक करना, लेकिन साथ साथ शास्त्र स्वाध्याय भी करना, ठीक है। ये कल हमने देखा था, और कल हमने किस बिंदु को उभारा था, किसी को याद है,
मैंने और एक छंद कर लिया था आयुर्वृद्धि कर, उसमें क्या कहना चाहते थे ये कौन बताएगा, बोलिए उसमें क्या कहना चाहता हो? आपने बारे में बताया था जैसे कोई ब्याज लेता है तो वो महीने की एक तारीख को बोलता है और पहले बोलता है कि मेरी आयु दीर्घ हो, तो फिर उसमें ये होता था कि दीर्घो ने काल चला जाए, हेतु कालस्य निर्गमम आयुर्वृद्धि क्षय उत्कर्ष, तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी काल चला जाए, क्यों वो मिलते हुए ब्याज के पीछे जाते हुए नरभव को भी नहीं देखता है। धनी वांछताम धनी नाम इष्टम, आगे क्या कहा था, जीवितात सुचराम धनम, जीवन से भी ज्यादा धन को प्रेम करते, कैसे है ये लोग। बैठिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने कल और भी एक बात कही थी आपको याद होगा, तो धंधा कैसे करना है इसका भी थोड़ा बीज डाला था मैंने, आपको याद है मैंने एक दो उदाहरण देकर बात समझाई थी, संतोष परिणाम हो और न्याय नीति से कोई कमाता हो उसको कभी कमी नहीं आती, हाय हाय नहीं करना धन के पीछे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से धंधे नहीं करना इस बात पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई है, मूल चर्चा आज करनी है, ठीक है। पहले हम आए 107 पृष्ठ पर, नीचे हम देखेंगे पुण्य के उदय के अधीन, ठीक है। आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए, यदि मिल रहा है सबको प्रकरण 107 पृष्ठ पर आ गए सब। यदि स्वयं में सबके अच्छी इनकम चल रही हो तो उसमें भी अनीति अन्याय करके ज्यादा धनार्जन का नहीं सोचना, कह रहे हैं जो मिल रहा है ना तुमको भाग्य से चुपचाप खाओ उसको। ए अभी इसको कोई मत लिखो छंद को, फिर इसमें समय चला जाएगा ना पूरा, अभी मेरी तरफ ध्यान देंगे जब मैं कहूंगा तब लिखना, या तो क्लास के पहले या तो क्लास के बाद। तुषार आपके लिए बोल रहा हूं मैं, आगे अपने भावों में से यदि नीति धर्म नहीं छोड़ोगे न्याय धर्म पर चलोगे फिर भी असाता कर्म के उदय से अग्नि से जल से चोरों से राजा के उपद्रव से आजीविका बिगड़ जाए तथा धन बिगड़ जाए तो धर्म नहीं बिगड़ेगा, यश नहीं बिगड़ेगा, जगत में अप्रतीति के पात्र नहीं होगे, धन मिट जाए तब भी तकलीफ नहीं आएगी। तुम धर्म को नहीं छोड़ना कह रहे, न्याय नीति को नहीं छोड़ना। यदि प्रबल लाभांतराय के उदय से न्याय रूप उद्यम करने पर भी लाभ नहीं होवे तो समता ही ग्रहण करना चाहिए, यदि आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म मिला देगा, कर्म बलवान है। गुरुदेव ने यही बात कही थी आपको याद होगा, उनको श्वेतंबर ने कहा था आपको रोटियां नहीं मिलने देंगे, उन्होंने क्या कहा था, यदि आयु कर्म शेष होगा तो रोटियां भी मिलेगी। यहां पर सदा सुखदास जी कहते हैं अन्याय अनीति नहीं करना धंधे में, यदि बोलो लाभांतराय का यदि तीव्र उदय हो तो तुमको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि धर्म सुरक्षित होगा तो हर जगह समता 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 बनी रहेगी, और यदि आयु कर्म जिंदा है तो तुमको मिलेगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। क्या गजब की बात कही है यहां पर, कर्म बलवान है, वन में पहाड़ में जल में नगर में अपने अंतराय कर्म के क्षयक्षम के अनुसार भोजन सबको मिलता है। क्या बोल रहे, जंगल में भी हो क्षयक्षम हो जाए तो आहार मिल जाए, और नगर में हो और उदय आ जाए लाभांतराय कर्म का तो नहीं मिले कुछ। हमने देखा था ना लाभांतराय कर्म, आपको याद है लाभांतराय कर्म के उदय में लाभ नहीं होता और लाभांतराय कर्म के क्षयक्षम में लाभ होता है वस्तु। जंगल में कैसे मिल सकता है कोई बताएगा? अरे रामचंद्र जी सालों रहे उनको आहार विधि नहीं मिली क्या जंगलों में? आपको जानते हो आप कामदेव होते ना, कामदेव वे सर्वांग सुंदर होते हैं, मैंने पहले भी कहा होगा वे इतने सुंदर होते हैं उनको देख देख कर एक एक महिला भ्रष्ट होने लगती है, उनको जो भी महिला देखती है वो एकदम पागल हो जाती है उसके पीछे। मैंने थोड़ा एक उदाहरण दिया होगा पहले कभी आपको, वसुदेव जब नगर में चलते थे तो महिला इतनी पागल हो जाती थी सब घरों के बाहर आकर खड़ी, इतने सुंदर दिखते हैं, और तो और समस्या होती है कुएं पर मानो पानी भर रही है महिलाएं, तो क्या करती है मालूम, एक प्रसंग क्या आया है, अपने बच्चों को लिया है जिसने वो उठा के, वो भूल से ये भी नहीं समझ पा रहे कुएं पर पानी भरने गई है
तो कलछा तो रखे ऊपर और बच्चे की गर्दन को रस्सी बांधकर बच्चे को छोड़ दिया नीचे उल्टा। ये इतनी विपरीत क्यों होने लग गई? कौन? कामदेव को देखकर, वसुदेव को देखकर। तो इतनी तकलीफ होती है। तो जानते हो आप, जब ये दीक्षा लेते हैं ना, यदि सर्वांग सुंदर कोई कामदेव जैसा शरीर हो दीक्षा ले ले वे, तो उनका नियम है वे नगर में नहीं आते आहार के लिए। आजीवन प्रतिज्ञा है उनकी। क्यों? अभी तो नग्न ही हो गए, अभी तो कितने जनों को विकार हो सकता है। तो जंगल में जीवन भर रहते हैं, आश्चर्य है उनको आहार मिल जाता है जंगल में जीवन भर। आपने देखा होगा मांगी तुंगी कोई गया है? आप गए हो? मैंने तो सुना है और भी आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो बिल्कुल उल्टी है, देखे आपने? दीवार की तरफ गुफा में देखते हैं हम तो उल्टी उल्टी प्रतिमा है वहां पर, सीधी प्रतिमा। ऐसा क्यों है कोई मुझे बताएगा? क्योंकि वे सीधे नहीं बैठते थे, किसी को देखकर विकार न हो इसलिए उल्टे बैठ जाते थे, इसलिए वैसी प्रतिमाएं बनाई है। समझ गए? मुझे तो क्यों कहना है, क्यों कहा मैंने ये इतना सारा क्यों कहा? आहार तो मिलेगा, योग्यता होगी तो। तुम चिंता नहीं करो, तो जंगल में जाओगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, जहांगीर की लड़की, नूरजहां की लड़की, जहांगीर और नूरजहां पति पत्नी थे ना ये? ये जो नूरजहां है ना, नूरजहां ये जब छोटी थी ना, 6 महीने की थी, इसको जंगल में पटक दिया था इसके माँ बाप ने। अभी जिस भी कारण से पटका होगा, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, यही बनेगी आगे की भारत की सम्राज्ञी, ये बनी भारत की सम्राज्ञी आगे। और सम्राट बना था ना जहांगीर, उसकी पत्नी थी ये, तो 6 महीने की अवस्था से कैसे पली पूसी होगी? ऊपर से पेड़ से शहद टपकता रहा बराबर उसके मुंह में, ये सत्य घटना है। फिर यही कहना है मुझे, सब आएगा, सब आएगा, भगवान तुझे भी देगा, परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, हैरान नहीं होना, भगवान तुझे भी देगा। लेकिन यहां पर कहते भगवान तुझे भी देगा, ये क्यों सोचे हम? अरे तेरे पास सब है, तू क्यों हैरान हो रहा है? ठीक है, चलिए आइए। किसी का पुण्य का उदय हो तो ऐसा होता है कि बहुत लोगों को भोजन आदि देकर स्वयं भोजन करते हैं। किसी का अंतराय का उदय ऐसा आता है कि वह अपना पेट भी नहीं भर सकता। किसी को आधा पेट भरने लायक मिलता है, किसी को एक दिन मिलता है, किसी को एक दिन नहीं मिलता। देखो कैसी कैसी स्थितियां लिखी है। चलिए आगे बढ़िए। कई तिरंचों की हालत देखो, कह रहे उनको पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। करोड़पति सेठ जो यहाँ पर कितने आहार दान आदि किए होंगे, भूकंप की स्थिति बन जाए तो एक एक पैकेट के लिए तरसे। विमान में से पैकेट फेंकते ना भोजन के, आर्मी लोग वाले, मिलिट्री सेना, एक एक पैकेट के लिए तरसे। कौन? आज तक का करोड़ अरबपति। परिस्थिति कैसी भी किसी पर भी हो सकती है। और वो धन्य कुमार को देखो, 18 करोड़ दिनार के मालिक धन्य कुमार के पिता, और धन्य कुमार के पिता मर गए। धन्य कुमार अभी गर्भ में ही था, अकृत पुण्य, गर्भ में ही था, और जन्म होते होते ये स्थिति बनी, सभी कुछ हट गया, और मां दूसरों के यहां चौके का काम करने लग गई। जो इंडिया, इंडिया नहीं वर्ल्ड में 1 नंबर था, इतना पैसा, धनिक आदमी धन्य कुमार के पिता। और 9 ही महीने में कितना फर्क पड़ गया, वो धन्य कुमार के पाप का उदय था उसके, अकृत पुण्य के। वो जैसे गर्भ में आया पाप का उदय चालू, धीरे धीरे, पहले तो उसके पिता मर गए, संपत्ति नाश होना चालू हो गई। और जानते हो फिर A1 कौन बना था? उन्हीं का मुनीम, उनके नौकर काम करने वाला, वो बन गया था 18 करोड़ दिनार का मालिक। तो फिर पता नहीं चला, ये नौकरी ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव गई अकृत पुण्य की माँ, कि कोई नौकरी दे, नौकरी दे, इतने बड़े घर की, उसको अपने गांव में कौन नौकरी देगा? देगा क्या? कोई नहीं देगा। तो उसने सोचा हम बाहर के दूसरे गांव चले जाए। तो वहां पर मुनीम मंजन कर रहा था सुबह सुबह चबूतरे पर बैठकर, उसने पहचान लिया ये अपने मालकिन है, लेकिन उसने पहचान नहीं दी। क्यों नहीं दी? वो धूर्त था, ऐसा नहीं था, हम पहचान देंगे तो ये शर्मा जाएगी बेचारी, ये इतने राजघराने में रही हुई, आज ऐसी शर्म तो लगेगी कि नहीं,
अरे हम एकदम टॉप पर रहा हुआ एक दो विषय में फेल हो जाए अच्छा लगेगा क्या? या फिर एक दो कम मार्क मिलते हैं तो कितने नाराज हो जाते हो आप? तो उसने पहचान नहीं देकर उसने सोचा हम इसका सहयोग करेंगे, और वैसे वो कहता खूब ले जाओ पैसा, तो वो न लेती। क्यों नहीं लेती? ये स्वाभिमानी लोग है, अच्छे घर के लोग है, ये ऐसी भीख नहीं लेगी। तो दे दो भैया इसको नौकरी। तो नौकरी काहे की दे दी? तुम्हें तुम्हें घर की व्यवस्था कर रहे सब कर रहे, तुम रसोई तो बना लोगी? बना लूंगी, बना लेना, सब कर देंगे। इतनी परिस्थिति खराब आ गई, समझ गए? परिस्थिति किसी पर भी कुछ हो सकती है, अन्याय नीति नहीं करना कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं परिस्थिति कैसी भी बिगड़ सकती है तो अन्याय नीति करो, या फिर कह रहे अन्याय नीति करके करोड़ों का धन कमाओगे तब भी तकलीफ खड़ी हो सकती है, मत करो ये। चलना है। देखो प्रसंग एक ही है और ज्ञानी अज्ञानी अलग अलग भाव करते हैं। दरिद्रता कभी भी आ सकती है ये जानकर न्याय नीति में प्रवृत्ति करता है ज्ञानी, और दरिद्रता कभी भी आ सकती है ये जानकर अज्ञानी अन्याय नीति में प्रवृत्ति करता है। प्रसंग वही का वही है। ठीक है, चलना आगे। अज्ञानी नहीं वितरत्यार्थम, सुनो बस सुनो क्या कह रहा हूं मैं। अज्ञानी नहीं वितरत्यार्थम नरो दारिद्र्य शंकया, क्या अर्थ है इसका? अज्ञानी धन को देता नहीं है, क्यों? दरिद्रता आ जाएगी तो। विज्ञस्तु वितरत्यार्थम नरो दारिद्र्य शंकया, और जो ज्ञानी होते निरंतर वितरण करते होते हैं, क्यों? अरे दरिद्रता कभी भी आ सकती है, पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत अच्छी स्थिति इन्होंने लिखी है, यदि कुटुंब में यदि महापाप को उदय आए तो कुटुंबी जन को क्या संबोधन देना। देखो यदि आप अकेला हो तो ऐसी दृढ़ता पकड़ कर समता रख ले, परंतु जिसके ऊपर कुटुंब का भार हो तो वह क्या करे? आपके जीवन में भी ये समस्या संकट आ सकते हैं, इसलिए बुद्धिपूर्वक के प्रकरण में पढ़ रहा हूं। क्या कैसा उदय आए? अरे बोलिए ना, पाप का उदय आए तो कुटुंबी जनों को क्या समझाना। देखिए कितनी सुंदर बात लिखे, हे कुटुंब के लोगों, आपने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया, व्रत पालन नहीं किया, अभक्ष भक्षण किया, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, उस पाप के उदय से ऐसे दरिद्री हुए कि पेट भर भोजन तथा वस्त्र भी नहीं मिला, यह सब अपने अपने किए पाप का फल। यदि अब भी अन्य पुण्यवानों के आभरण वस्त्र भोजन आदि देखकर दुखी हो गए तो आगे भी केवल तिरंज गति के दो घोर दुखों का कारण पाप कर्म बंद करोगे तथा करोड़ों भव तक दारिद्र्य के दुख का कारण पाप बंद करोगे, पर की संपदा आपके पास नहीं आ जाएगी, क्लेश दुर्ध्यान तृष्णा आदि करने से दुख नहीं मिटेगा किंतु दुख बढ़ेगा। देख लो कैसे समझाया उसने। यदि थोड़े प्राप्त धन में ही संतोष करके निर्वांचक हो गए तो वर्तमान में तो दुख नहीं व्यापेगा, वो समस्त पाप कर्म की ऐसी निर्जरा होगी जो घोर तपश्चरण से भी नहीं होगी। थोड़ा वस्त्र भोजन आदि मिलने पर परिणामों में आकुलता रहित समता से रहने में बड़ा तप है। आवे जब संतोष धन सब धन धूरी समान, पता है ना ये संतोष की बात आई। नीचे आइए, नीचे के पैराग्राफ में देखिए, हमने तो अब मिल गया, हमने तो अब भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे लिए अब अनीति कपट आदि घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहे, किसको बोल रहे? सक्षम कुटुंब जनों को बोल रहा है। हमारी बाध्यता नहीं है, चाहे जैसा आपको कमा कर ला कर देंगे। हमारी बाध्यता इतनी थी न्याय नीति पूर्वक कुछ भी करे, भले ज्यादा घंटे मेहनत करना पड़े करेंगे, अन्याय नीति करे ऐसा हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। हमने अभी जिनेन्द्र भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, हम तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं करेंगे। अभी हमने तो अब भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे लिए अब अनीति कपट आदि घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। तुम भी हमारा धर्म जिससे बिगड़ता हो वैसा प्रवर्तन नहीं करो, अपने अपने पुण्य लाभ का फल भोगो। एक कैसी बात बोल रही है, पाप को उदय आए तो ज्यादा परेशान नहीं होना, फिर घर वाले अपने तो आश्रित है, अपने आश्रित है, अभी से आधवा छेली लगाओ, उनको भी समझाओ कोई किसी के आश्रय नहीं है, तुम्हारे पाप को उदय है, पूर्व में तुमने वृत्ति त्यागियों की सेवा नहीं की, मैं तुम्हारे लिए अन्याय नीति करने वाला नहीं हूं।
नीचे आइए। जो कुटुंब के पोषण के लिए पाप क्रिया में प्रवृत्तता है, हिंसा, असत्य, चोरी, कपट इत्यादि पापों में प्रवृत्तता है, उसे घोर पाप का बंध होता है। कितने ही लोग कहते हैं धन तो पाप से ही आता है, पाप के बिना धन आता ही नहीं, त्यागी वृत्ति हो जाने से धन कैसे आएगा? पाप करने से ही धन आता है, सबका यह कहना है। क्या कहते है? यह तो तुम्हारा भ्रम है, पाप के बिना धन नहीं आता है, ऐसा कहना अनुचित है। यदि पाप करने से ही धर्म होता, धन आता, तो कितने पाप कर रहे, पांचों पाप कर रहे लोग, उनको क्यों धन आ रहा है? ऐसे प्रश्न पूछा, उनको वे कंगल क्यों है, ये प्रश्न पूछा। ठीक है, नहीं होते है क्या ऐसे? इंसान झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह करते हैं, कितने चोर होते हैं, डाकू बड़े बड़े, और वे अपना घर तक नहीं बांध पाते, चोरों के पुर ना बसे। पढ़ा है ना आपने, कहां पर पढ़ा है? चोरों के पुर ना बसे, ये 10 लक्षण की पूजन। ठीक है, आगे चलेंगे हम। जिन्होंने पूर्व जन्म में ये हो गया है वैसे अपना, चलिए आज आइए अपने प्रकरण पर। अब मैं आचार्यों की, विद्वानों की दृष्टि में करने लायक कुछ धंधे यहां से बताऊंगा। पंडित टेकचंद जी साहब ने सुदृष्टि तरंगिणी में 4 प्रकार के धंधे लिखे हैं जो जैनियों को करना उचित है। सबसे पहले तो सदा सुखदास जी ने एक बात रखी है कि रे धंधा करना कि नौकरी करना। तो उन्होंने, सदा सुखदास जी कहते हैं, गलती से भी नौकरी नहीं करना, धंधा करना जिससे तुम्हें धर्म कर्म में स्वाधीनता होगी। नौकरी करना कितना पराधीन है कि रे वो लीव देंगे तो तुम लीव एक्सेप्ट होगी, कितनी तकलीफ होगी, और धंधा करने में तुम स्वाधीन रहोगे। सदा सुखदास जी ने इतनी बात खोल दी। लेकिन बात उल्टी भी हो सकती है, धंधा करके बहुत चिपटा रह सकता है आदमी, उसी में लगे रहो, क्यों अभी भैया दुकान है, फिर ग्राहक चले जाते, नहीं चलेगा, और नौकरी मन में आए चल दी। मतलब जिससे आपका धर्म परिणाम ठीक हो वो आपको नौकरी व्यापार करना चाहिए, नौकरी हो, व्यापार हो, फिर जो भी हो। अभी व्यापार करने की नौबत आए तो टेकचंद जी साहब कह रहे हैं सबसे पहला और अच्छा व्यापार उन्होंने कहा है रत्नों का। सुना है आपने? नहीं सुना? ये रत्नों का व्यापार सबसे अच्छा कहा। कारण बताते समय उन्होंने ये बताया क्योंकि उसमें किच-किच बहुत कम होती है, ग्राहक बहुत सीमित आते, 2-4 ग्राहक आएंगे दिन में, अब दिन भर अध्ययन आदि कर सकोगे, और आपके पास जितने भी ग्राहक आएंगे वो तीव्र पुण्य उदय वाले आएंगे, जिनके पास इतना पैसा है, जिसका अमाप, वे ही आएंगे तुम्हारे पास, तो तुम ये धंधा करना। लेकिन इस धंधा करने में कमी क्या है? एक बहुत बड़ी, इसके लिए पूंजी बहुत बड़ी चाहिए, कोई भी आदमी थोड़ी कर सकता है ये काम। दूसरा धंधा उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारे बस की नहीं हो करने की, ज्यादा पूंजी ना हो तो सोना चांदी का धंधा करना, हीरे माणिक का धंधा नहीं करना, फिर सोना चांदी का धंधा करना। सोना चांदी के धंधा करने में अपेक्षाकृत कम पैसा लगता है, इसमें हिंसा भी वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि सोना है, चांदी है, ये पृथ्वी का ही है, हिंसा कुछ नहीं है, और इसमें भी जितने ग्राहक आएंगे वे भी उतने तीव्र पुण्य उदय वाले तो नहीं होते हैं हीरा खरीदने जैसे। अब जानते हो ना, सोना चांदी की दुकानें कितनी है अपने गांव में? 5-6, और हीरे की दुकानें कितनी है? एक भी नहीं होती मुश्किल से। बड़े बड़े शहरों में एक आध हीरे की दुकान होती है, बड़े शहर, और वो भी जिले का गांव हो तो कदाचित हीरे की दुकान वहां हो सकती है। और सोना चांदी की दुकानें तो एक शहर में, जहां पर हीरे की भी दुकान नहीं हो वहां पर सोना चांदी की दुकानें आपको मिल सकती है कम से कम 50, पर हीरे की दुकान नहीं हो वहां पर, हो सकता है। हीरे की दुकान के लिए कस्टमर कैसा चाहिए? विशेष पुण्य के उदय वाला। और सोने का चांदी वाले विशेष पुण्य का उदय नहीं चाहिए, हाँ लेकिन पुण्य का उदय वाला ही उसके पास आएगा। जो भूखो मरता हो और नंगे बदन रहता हो वो तो आएगा नहीं ना। तो यहां पर भी जो कस्टमर आएंगे वो पुण्य के उदय वाले ही आएंगे यहां सोना चांदी वाले के पास, और इसमें भी अपेक्षाकृत
विचार करें तो ग्राहक भी कम ही रहते हैं इसमें, तो थोड़ा सा फ्रीनेस भी बना रहेगा। डायमंड की अपेक्षा तो ज्यादा ग्राहक रहेंगे, लेकिन जैसे सब्जी मार्केट में और किराना दुकान में निरंतर ग्राहक रहते हैं, ऐसे तो नहीं रहेंगे ना इसमें, तो आपकी निश्चित शेड्यूल बना रहेगा, ज्यादा झंझट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का धंधा उन्होंने कहा, यदि सोना चांदी का न बने तुमसे, क्योंकि उसके लिए भी क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, मेन मार्केट में स्थान चाहिए, फिर और इकट्ठा करना हो आपको कम से कम आज की तारीख में कहो तो 1-2 करोड़ का आपके पास पूरा स्टॉक चाहिए, और स्टॉक मतलब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो 2 करोड़ उसमें लगा सकता है आदमी। क्यों, सब कुछ थोड़ी ना लगाएगा, ऐसे रिस्क थोड़ी लेगा, तो इतनी प्रॉपर्टी सबके पास हो जरूरी नहीं हो। तो फिर कह रहे यदि वो भी ना बने तो तुम एक काम करना, तुम और भी अहिंसक और एक धंधा है, डायमंड का भी अहिंसक ही है। क्यों, डायमंड भी पृथ्वी का एक इंद्रिय का शरीर, सोना चांदी का भी वैसा ही था। और फिर कह रहे नहीं बने तो तीसरा धंधा उन्होंने कहा जैनियों को, फिर कपड़े का धंधा करना, तो उसमें भी हिंसा नहीं है कुछ, कॉटन आदि के कपड़े हैं, इनके भी कपड़े की दुकान है दो, कुछ भी हिंसा नहीं रहती उसमें। और कॉटन के कपड़े में तो हिंसा नहीं, मतलब एक इंद्रिय की तो हुई हिंसा, लेकिन अभी फिर ऐसी तो कोई बात, लेकिन त्रस का घात नहीं होगा उसमें, और कोई सड़ने गलने जैसी वस्तु नहीं है उसमें। अब किराना दुकान खड़ी करोगे, वहां पर सड़ सकती है वस्तु, खराब हो सकती है, घुन लग सकती है, त्रस राशि उत्पन्न हो सकती है, अमर्यादा हो सकती है, रेट कम ज्यादा बहुत समस्या है उसमें, हो सकता है कि नहीं, सस्ता मिला माल तब भी ज्यादा नहीं ले सकते, तीली वगैरह लोगे सब जीव पड़ जाएंगे उसमें, और जीव पड़ जाएंगे क्या करोगे, कैसे हटाओगे तुम, पानी बरसने लग जाएगा वातावरण को रोक सकोगे, और हीरा है सोना चांदी है, पानी बरस जाएगा कस्टमर नहीं आएगा, तो कम से कम इतना तो होगा माल को कोई सड़न नहीं होगी, माल आज नहीं कल बिकेगा, दुकान बंद करो कल बेचेंगे। किराना दुकान वाला कर सकता है ऐसा, तो कह रहे भैया माल उठना है तो दुकान तो चालू रखो, दुकान तो चालू रखो, तो किराने दुकान की तो बात ही नहीं कही उन्होंने। तीसरे नंबर पर किसको लिया, समर्पित का प्रश्न था आज से लगभग 1 महीने पहले, आपको याद आ रहा है, क्या क्या धंधा कर सकता है जैनी, मैंने कहा तो थोड़ा रुको, आरंभ त्याग प्रतिमा में मैं पूरी चर्चा लेने वाला हूं इसको। तो तीसरा नंबर उन्होंने दिया कपड़े के लिए, लेकिन मैं थोड़ा इसमें कहना चाहता हूं, जितने भी कपड़े होते हैं टेरिकॉट टेरिउल सिंथेटिक कपड़े कहते हैं उनको, वो कपड़ों में तो हिंसा होगी, हड्डी के पाउडर वगैरह मिलती है। अब कॉटन के सूती कपड़े मैंने आजकल फिर रेडीमेड कर सकते हैं, फिर उसमें कपड़े बेच सकते हैं, मात्र कुछ भी आप करें, कपड़े के व्यापार में कोई हिंसा नहीं, और उसमें भी कौन लोग आएंगे, तीव्र पाप के उदय वाले तो नहीं आएंगे। क्यों, जो भूखे मरते हो वे कपड़े की सोचेंगे, वे तो नहीं आएंगे। तीसरे नंबर पर इनको लिया, शुद्ध धंधा है, इसमें कोई किचकिच नहीं, पिचपिच नहीं। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का धंधा कहा कि बर्तन है, वे भी पृथ्वी का एक है, उसमें भी कुछ सड़ना गलना नहीं है, और ये भी लेने को कौन आएंगे, महापाप के उदय वाले नहीं आते, और बस यहां तक सीमा उन्होंने रखी। किराने दुकान का बिल्कुल मजबूरी वशात करना पड़े तो बात अलग है, क्योंकि उसमें बहुत जीव राशि हो जाती है अनाज में देखते ही देखते, नहीं करना बल्कि ऐसा बोले। तो ये 4 धंधे जैनियों को कहे हैं, अन्य धंधे तो जैनियों को कहे ही नहीं है। अब क्यों नहीं कहे हैं, अपन थोड़ा सा उसको लेते हैं, तुषार को डॉक्टर बनना है ना, अभी अपन तुषार को फाइल पर लेते हैं। देखिए मान के चलिए डॉक्टर बनना है, डॉक्टर रात दिन किसकी माला फेरेगा तुषार, बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी बुद्धि नहीं होगी, आपकी इतनी बुद्धि होगी जबरदस्त, आप A1 डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन बात यह है समझदारी उसमें कितनी है। डॉक्टर बनने के बाद क्या करेगा, पहले तो एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करेगा, एजुकेशन में कितना पैसा जाएगा डॉक्टरी करने में, 1,00,000 रुपए जाते बेटा, 1-1 करोड़ रुपए मिट जाता है उसमें डॉक्टरी में, पहले तो ये घाटा हो गया, और फिर वो कंस्ट्रक्ट खड़ी करेगा बिल्डिंग वगैरह, पहले तो 10-12 साल दूसरों के यहाँ प्रैक्टिस करेगा, फिर इतना समय चला गया,
फिर वो बिल्डिंग खड़ी करना और मशीनरी उसकी कितनी महंगी रहती है, करोड़ों मशीनरी में चले जाएंगे। अब रात दिन क्या सोचता रहेगा, ये करोड़ों जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो उसको पूर्ति कैसे होगी, कस्टमर आ जाए कस्टमर आ जाए कस्टमर आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए एक्सीडेंट हो जाए एक्सीडेंट हो जाए। मतलब ये धंधे ऐसे है कि जो दूसरों के पाप का उदय होगा वो अपने पुण्य का उदय होगा। कितने जन बात समझ रहे हैं, अभी तक के धंधे कैसे थे, दूसरों का पुण्योदय होगा तो अपना पुण्योदय होगा, अभी इसमें दूसरों के पाप का उदय होगा तो हमारा पुण्य का उदय होगा। तो हम रात दिन हमारी उन्नति चाहते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ जाए। एक डॉक्टर मेरे को वास्तव में बोले, साहब अभी हम नहीं प्रवचन वगैरह कुछ नहीं शिविर वगैरह अभी हम नहीं आ रहे। क्यों भैया क्या हो गया, अभी हमारा सीजन चल रहा है साहब। क्या सीजन चल रहा है, बोले अभी तो हमारा साल भर में यही तो सीजन होता है, दीपावली का टाइम हो बरसात चालू हुई हो, फिर अभी मूल सब बीमार पड़ते हैं, अब हम धर्म नहीं करेंगे, अब हम खूब पैक रहेंगे। समझ गए, मतलब उनको अच्छा है। मेडिकल स्टोर वाला क्या सोचेगा, भैया ये ज्यादा ला कर रखी है दवा, ये क्या सोचेगा, ये जल्दी से निकल जाए निकल जाए निकल जाए, मतलब लोग बीमार हो, और क्या सोच रहा है। अब एक एक जो जो दवा है उसमें, कैंसर की हो HIV की हो, वो ये चाहता है इनडायरेक्टली कि लोग के पाप को दे आए। अनाज वाला क्या चाहेगा, जिसका अनाज का धंधा है गल्ले का धंधा, वो चाहे लोगों को भूख लगे लोग खाए, ऐसा भी क्यों भाव करना पड़े जिसमें हमको अर्थ ध्यान हो, हल्का क्यों सोचे हम। और सोना चांदी वाला क्या सोचता है, सबका अच्छा हो सबका अच्छा हो, सब आगे बढ़े सब आगे बढ़े, क्यों आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारे आएंगे। तो इसलिए आचार्यों की दृष्टि रही, ऐसे हमको धंधे नहीं करना जिससे हमें दूसरों के पाप के उदय की राह देखनी पड़े। बाकी कोई चार के अलावा कोई धंधे नहीं कहे जैनियों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं और थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कल थोड़ा सा एक कहा था, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था सागर धर्मामृत में एक छंद है बहुत सुंदर, मैं कल सुनाऊंगा। मैंने कहा था ये छंद पढ़ेंगे और फिर अपन निश्चित करेंगे आगे। भोगोपभोग कृष्णा भोगोपभोग कृष्णात् कृषिकृत धन स्पृहा धनाय कोट्टपालादि क्रिया क्रूरा करोति कह। ठीक है ना, ये छंद कैसे पढ़ेंगे, पढ़ो इसके दूसरी राग कोई मंडरी के पढ़ो। भोगोपभोग भोगोपभोग नमः समय साराय भोगोपभोग कृष्णात् कृषि कृत धन स्पृहा धनाय कोट्टपालादि क्रिया क्रूरा करोति कह। अनुष्टुप ही छंद है। भोगोपभोग कृष्णात् कृषि कृत धन स्पृहा धनाय कोट्टपालादि क्रिया क्रूरा करोति कह। ये सागर धर्ममृत के 5वें अध्याय का 19वां छंद है। इसका भाव क्या है कोई बताएगा। यहां पर ये लिखा है भोगो भोग कृष्णात्, जिसने भोग और उपभोग में कृष किए हैं, भोग और उपभोग जिसने अपनी वांछा बहुत कृष की है, उसके कृषि कृत धन स्पृहा, उसको धन को कमाने की भी स्पृहा एकदम ढीली पड़ जाती है। क्योंकि जिसको भोग और उपभोग ही नहीं भोगना है सामग्री, और कह रहे जिसने धनाय जिसकी धन की स्पृहा ढीली पड़ गई है, वो कोट्टपाल आदि क्रिया इतनी क्रूर क्रिया क्यों करेगा। सबको समझ में आया, कोट्टपाल मतलब कोतवाल, कोतवाल मतलब पुलिस, पुलिस आदि की नौकरी क्यों करेगा। ये इससे मैंने क्या शिक्षा दी आप सबको, पुलिस वाली नौकरी नहीं करना। अभी वो शैलेंद्र का भाई आया था, मैंने कहा ना आपको, और वो इंस्पेक्टर बनना चाहता है बोला। मैंने उसको समझाया, भैया तुम ये मत करो ये काम, या ऐसे क्रूर काम नहीं करना, न चाहते हुए भी हमारे परिणाम बिगड़ते ही है, क्षेत्र ही ऐसा है। वो भोगोपभोग कृष्णात् कृषि कृत धन स्पृहा धनाय कोट्टपालादि क्रियाः क्रूरा करोति कह। इतनी क्रूर क्रिया नहीं करना। मैंने आपको इसलिए बताया, मिलिट्री में आर्मी में जैनी नहीं जा सकता। वो कोई ये तर्क करे, अरे पहले भी तो 4 वर्णों होते थे तो क्षत्रिय क्या था, वे नहीं युद्ध करते थे क्या, हथियार नहीं रखते थे क्या। लेकिन आज जैनियों के हिसाब से बंटवारा कर दिया है,
तब तो जैनी फिर बाल बनवाने वाले भी जैनी होते हैं होते थे, लेटरिन बाथरूम साफ करने वाले, झाड़ू लगाने वाले भी जैन ही थे तब, तब तो सब जैन ही जैन थे। लेकिन आज वर्गीकरण हो गया है और धंधा जैसा करते हैं वैसे हमारे भाव होते रहते हैं, ये बात माननी पड़ेगी आपको। होटल करेंगे आपको परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चाहे जैसे लोग आएंगे उसमें शराबी कबाबी, नहीं परिणाम अच्छे रहेंगे आपके। आइए अभी अभी तक हमने जो प्रकरण देखा वो प्रकरण था हम क्या क्या धंधे करें क्या क्या न करें। अभी हमको ये देखना है कि धंधे किस प्रकार, धंधा किस प्रकार करता है निर्लोभी प्रवृत्ति से। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप खोलेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिया है सबने, 155 56 पेज खोलिए सब, 155 56 पेज सब खोलिए, मिल रहा है सबको। ये तो प्रकरण तो कोई और ही चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हाँ 155 56 टोडरमल जी साहब की दृष्टि में संतोषी व्यापारी कैसा होता है उसकी थोड़ी सी आज झलक दी जा रही है। उससे कहते हैं जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है सो दुकान पर तो बैठे और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है, परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नहीं करता है, स्वयं कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है, तो उसके लोभ की मंदता है माया वो मान नहीं है। कितने जन को समझ में बात क्या कह रहे। अच्छा व्यापारी क्या होता है, व्यापार तो खोलेगा लेकिन ज्यादा नहीं उलझेगा उसमें, क्योंकि उसको तीव्र आकुलता नहीं है। ये तो प्रकरण तो दूसरा ही चल रहा है, आहार दान का चल रहा है। उनका ये कहना है श्वेतंबरी मुनियों का कि हमको तो आहार मांगना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। टोडरमल जी साहब कह रहे तुम मुनि होकर आहार कैसे मांगोगे, तो फिर उन्होंने उदाहरण दिया, देखो एक दुकानदार भी होता है तो कह रहे वो क्या संतोषी दुकानदार क्या करता है लेन देन संबंधी, देखिए फिर से, परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नहीं करता है, स्वयं कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है, तो उसके लोभ की मंदता है माया वो मान नहीं है। ठीक है, हो गया है अपने इतना ही प्रकरण अपने को इसमें से पढ़ना था। वैसे दूसरों के पेट पर लात रखे, किसी को कंपटीशन कर करके उसका घर मिट जाए तो फिर अपना बस जाए, यह भावना बिल्कुल नहीं होती उसकी। ठीक है, कभी कदापि ऐसा नहीं करेगा, दूसरों के जा रहे ग्राहक उसको बुला के चलो हमारे यहां से ले लो, हम आधी कीमत में दे रहे। तुमने ईर्ष्या से आधी कीमत में दिया ना, वैसे तुम देते क्या? उसका ग्राहक तोड़ने के लिए तुमने क्यों किया ऐसा? फिर सबके लिए रीति नीति लागू करो, सबको प्रॉपर रेट रखो, फिक्स रेट शॉप ही रखो, रख दो बाहर रेट। मैंने श्रीमद जी का कहा था ना, मैंने किसी से थोड़ा ज्यादा माल तुलवाया हो और तो कम ज्यादा रेट में माल दिया हो ऐसा तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा धंधा करना चाहिए हमको। चलना है आगे। गोपाल दास जी का एक बात आती है, गोपाल दास जी क्या है, एक नौकर काम करता था और उन नौकर को, नौकर ने एक दिन कहा गोपाल दास जी को, मैं कल से आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, सामने जो किराना दुकान है उसके यहाँ मैं जाऊँगा। भैया क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि मुझे 60 रुपये मिल रहे बोले वहाँ पर महीने के। तो गोपाल दास जी ने एक बात कही उसको, देखो आपको बहुत रुचेगी, वो एक काम करो बोले, 60 रुपये चाहिए तुमको महीने में, तुम एक काम करो, तुम दुकान तुम ही ले लो, ये 60 रुपये तुम दे देना मुझे महीने में, कोई दिक्कत जो आ तो 60 भी छोड़ो, जितनी मैं तुमको अभी दे रहा हूं तो तुम उतनी मुझे दे देना, पूरी दुकान ही तुम संभाल लो, मुझे नहीं करना ये। मतलब कह रहे मैं तुमको उतना दे रहा हूं जितना मुझे कोई देवे तो मुझे संतोष होगा। समझ में आया? तो नौकर का अधिकार ये नाजायज लाभ नहीं उठाकर उनका शोषण हमको नहीं करना चाहिए, सब जिए ऐसा भाव हमारा बना रहना चाहिए। कंपटीशन अगल बगल वालों से कभी करने का भाव नहीं रखना हमको। ठीक है, भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है।
बार्गेन वाली शॉपी में तो वैसे ही बहुत माथा खराब होता है। आजकल लोग प्रीफर करें फिक्स्ड रेट शॉपी वालों को, तो ऐसी दुकान में जाना और ऐसी दुकान खोलना जहाँ पर फिक्स रेट हो, कोई कम ज्यादा नहीं। तो लोग आंख मीच कर वही आते हैं, कह रहे इनके यहाँ गड़बड़ है, हजार के अगर 500 तक फिर उसमें बोलने में भी बहुत समय शक्ति वेस्ट होती है। उनको भी पता है ये कहते कुछ रेट है और फिर बहुत कम करते, तो वे भी बार्गेन करते रहते, घंटों उसी में चले जाते फिर। ठीक है, अब हम अपने दो छंद जो मूल है आरंभ त्याग प्रतिमा में उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। आइए, आपके पास छंद है, गाइड लाया है सबने, तत्वज्ञान भाग एक आरंभ त्याग प्रतिमा के दोनों छंद हमको पढ़ने हैं आगे। चलिए, नहीं लाया आप लोगों ने गाइड्स, तो फिर रत्नकरण साहु का चर होगा आपके पास, रत्नकरण साहु का चर सही 100 खोलिए, 144 छंद खोलेंगे हम, उसमें से पढ़ते हैं। 144 छंद खोलिए भैया सब, पेज नंबर बताओ भाई। हाँ भाई, ये 472 पृष्ठ है रत्नकरण सावकाचार में, इसका छंद देखते हैं और फिर हम बनारसी दास जी का भी, दोनों छंद हमको देखने हैं। मिल रहा है सबको? चलो मैं पढ़ू। देखिए, सेवा कृषि वणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपारमती प्राणातिपात हेतो यो सावारंभ विनिवृत्त। सेवा कृषि वणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपारमती प्राणातिपात हेतो यो सावारंभ विनिवृत्त। आगे आरंभ त्याग प्रतिमा देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं अकलंग स्वामी ने आरंभ की क्या परिभाषा की है। मूल चर्चा यू समझे हमें, हमारी अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि क्या क्या आरंभ कर सकता है, अभी मूल आरंभ त्याग प्रतिमा की चर्चा अभी चलेगी, दो छंदों का अर्थ हम करेंगे अभी। मतलब यह जी आठवीं प्रतिमा में आते आते आरंभ त्यागी हो जाता है। अब ये नहीं समझना कि सातवीं प्रतिमा तक आरंभ करता था, लेकिन घर गृहस्थी के काम तो करने ही पड़ते हैं ना। व्यापार धंधा कदाचित पहले छोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकता है, जिसके पुण्य का उदय खूब कमाए हो वो तो छोड़े, लेकिन रसोई तो बनानी पड़ती है। मान के चलिए रसोई बनाता था, लेकिन आठवीं प्रतिमा में ये सब कुछ नहीं होगा। देखिए हम क्या क्या नहीं होगा, पहले हम मैंने कहा था अकलंग स्वामी की परिभाषा देखनी है। आरंभ की परिभाषा करते समय अकलंग स्वामी कहते हैं कि प्रमादवान पुरुष का प्राणीघात आदि के लिए कार्य शुरू कर देना आरंभ है। आरंभ का लोक में अर्थ क्या करते हैं, शुरू करो शुरू करो, तो वही अर्थ है सचमुच आपने यहां भी आरंभ करने का। लेकिन कौन सा कार्य शुरू करना, वो कह रहे हैं प्राणीघात आदि कार्य का शुरू होना, उसको आरंभ बोल रहे हैं यहां पर। वैसे कार्य शुरू होना को आरंभ तो लोक में भी कहते हैं, लेकिन यहां पर अपने में रूढ़ होगा ये अर्थ कि प्राणीघात आदि के लिए कार्य शुरू कर देना आरंभ है। ठीक है, प्राणी घात आदि मतलब आदि में क्या क्या आएगा, हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह आदि कुछ भी ले सकते हैं आप। प्राणी घात आदि कार्य शुरू कर देना, प्राणी घात आदि के लिए कार्य शुरू कर देना आरंभ है, अकलंग स्वामी की परिभाषा है। अभी देखिए समन्त भद्र स्वामी क्या कहते हैं आरंभ त्याग प्रतिमा वाला। सेवा, सेवा मतलब संधि विच्छेद करो पहले फिर आप अर्थ करेंगे। सेवा कृषि वणिज्य की मुख्यता से आरंभ से वह निवृत्त होता है, जिसमें जीवों की हिंसा हो, प्राणातिपात हेतु हो या आरंभ विनिवृत्त। क्या कहना चाहते हैं यहां पर,
जो जीव हिंसा के कारण है ऐसी नौकरी, सेवा मतलब नौकरी, जॉब नहीं करेगा अभी यहां पर, कृषि खेती नहीं करेगा। याद आ रहा है आपको, मैं बार बार आपको कह रहा था कि आठवीं प्रतिमा में इसकी चर्चा उठने वाली है, मैं कहता था यहां पर कृषि का त्याग बताया है। लेकिन एक प्रश्न तो फिर भी खड़ा होएगा, अभी देखेंगे हम। सेवा नहीं, नौकरी नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, वाणिज्य कोई भी धंधा नहीं करेगा वो। खेती को अलग से क्यों गिनाया वैसे, क्योंकि खेती को कदाचित कोई धंधे में ना लेवे तो फिर ना खेती करना, ना धंधा करना, ना नौकरी करना। लेकिन घर गृहस्थी की बात तो अभी आई नहीं, तो उसके लिए वे कह रहे नहीं, प्राणातिपात के हेतु हिंसा के कारणभूत कुछ भी कार्य हो वो आप नहीं कर सकते इसमें। तो घर गृहस्थ के भी कार्य है, मैंने कहा था ना पांच सूना, मैंने बताया था पंच सूना, कुटना, पीसना, बुहारी देना, पानी छोड़ना और चूल्हा जलाना, ये पंच सूना के काम अभी आरंभ त्याग प्रतिमा वाला नहीं ही करेगा, ठीक है। यहां तक की बात आई है ग्रंथों में कि आरंभ त्याग प्रतिमा वाला वाहन में भी नहीं बैठेगा। क्या कहा, वाहन में भी नहीं बैठेगा। गाड़ी में बैठेगा कि नहीं, नहीं। प्रश्न ये है, टू व्हीलर पर बैठेगा कि नहीं, साइकिल पर बैठेगा कि नहीं, घोड़ा गाड़ी में बैठेगा कि नहीं। कह रहे नहीं बैठेगा आठवीं प्रतिमा वाला। क्यों नहीं बैठेगा आठवीं प्रतिमा वाला? नीचे जीव, हाँ नीचे जीव आएंगे, कुछ ले जाएंगे और अब ये आरंभ का त्यागी हो गए। अरे जो रसोई नहीं बनाता है डर के, वो गाड़ी में कैसे बैठेगा? नहीं ही बैठेगा। देखिए एक छंद हमको पढ़ना है, ये प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य का छंद है, आपके सामने है, मिल रहा है सबको। रथाद्यारोहणम निंद्यम स्थूल जीव विघातकम प्राणांते पिन कर्तव्यम त्यक्तारंभे कदाचन। 107 नंबर का छंद है प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य का। यह भी बहुत जनों का प्रश्न आता रहता है कि वाहन में कब तक बैठ सकता है आदमी। कोई कोई तो गाड़ियों में शुल्लक जाते दिखते हैं, तो ज्यादा समस्या होती है तो वे कहते हैं हमको, हमें क्या दिक्कत है, बोले एरिया समिति बोले वो तो चलने वालों के लिए एरिया समिति है, हम तो वैसी गाड़ी में बैठे बोले हमको क्या पाप लगना है, और गाड़ी थोड़ी ना हमारे लिए चल रही बोले। एक इसीलिए श्वेतंबर साधु विमान में तक अभी चलने लग गए, विदेश में जाते विमान विमान में, जब उनको पूछते हैं क्यों भैया साधुओं को तो एरिया समिति कही है, तो वे कहते हैं एरिया समिति चलने वालों को होती है, हम तो चलते ही नहीं, कितना बढ़िया काम हम करते हैं। तो कोई भी छल ग्रहण कर सकता है, गाड़ी में तो बैठ सकते हैं हम, तो इसीलिए यहां पर लिख दिया आरंभ त्याग प्रतिमा वालों को। ये आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप वहां चल रहा था, कहां पर? प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में। तो वहां पर उसी प्रतिमा को समझाते समय आरंभ त्याग प्रतिमा में ऐसे लिखा, रथाद्यारोहणम निंद्यम स्थूल जीव विघातकम प्राणांते पिन कर्तव्यम त्यक्तारंभे कदाचन। अर्थ कोई बताएगा, प्रयास करेगा? रथ आदि आरोहणम, रथ आदि में चढ़कर, आरोहणम चढ़कर, निंद्यम ऐसा निंद कार्य नहीं करेगा, स्थूल जीव विघातनम, वहां पर तो स्थूल जीवों का घात हो रहा है ना सीधा। आगे प्राणांते पिन कर्तव्यम, प्राण जाने की कीमत पर भी वो नहीं बैठेगा, ये बोल दिया प्राणांते न कर्तव्यम, प्राणांत के काल तक भी वो नहीं करेगा उसको, प्राणांत की समस्या आने पर भी नहीं करेगा, वो नहीं चढ़ेगा गाड़ी में। गाड़ी मतलब कोई पेट्रोल डीजल वाली की बात नहीं है, इसलिए यहां पर रथादि बोला। पहले जमाने तो ऐसी चलती नहीं थी, मर्सिडीज और फोर्ड थोड़ी लिखते, यहां पर रथ लिख दिया इन्होंने, पहले तो ऐसी चलती थी। रथ कहते हैं टांगा को, बैलगाड़ी को, एक सामान्य शब्द है रथ। रथाद्यारोहणम निंद्यम, आगे लिखा प्राणांते पिन कर्तव्यम त्यक्तारंभे कदाचन, कदाचित भी वो ये काम नहीं करेगा, कौन? जिसने आरंभ का त्याग कर दिया है। अर्थ सबको समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ू। इसका मतलब सातवीं प्रतिमा तक, ऐसा अभी लग रहा है सातवीं प्रतिमा तक का जीव गाड़ी में सफर कर सकता है।
करेगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसका परिणाम इतना दया वाला हो गया है, कदाचित उसमें अतिचार लग सकता है सातवीं प्रतिमा वाले तक, क्योंकि जो आठवीं में अचानक ऐसा थोड़ी होता है कि आज तक खूब गाड़ियों में घूम रहे रात दिन और अचानक फिर आठवीं प्रतिमा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, क्रमशः घटते घटते होगा। तो साल में एक आध बार कदाचित, दो तीन साल में एक आध बार कदाचित, एक आध बार गाड़ी में कभी बैठने में आया, ठीक है, ये बात अपनी हो गई। अब एक बार हम बनारसीदास जी की दृष्टि में अर्थ देखना चाहते हैं, खोलिए बनारसीदास जी की दृष्टि, मिल गया आपको छंद, ये आठवीं प्रतिमा का स्वरूप दोहा छंद है। जो विवेक विधि आदरे करे न पापारम, सोष्टम प्रतिमा धनी कुगति विजय रणथंभ। सरल है ये तो बात, जो विवेक विधि आदरे, जो विवेक वान जीव है, विवेक से रहता है, करे न पाप आरंभ, वो पाप का कुछ भी आरंभ नहीं करता। आरंभ की क्या परिभाषा करी थी अभी हमने, प्राणघात आदि के लिए कुछ भी कार्य का शुरुआत होना ये आरंभ है, ये अकलंग स्वामी की परिभाषा नहीं बोलना, प्राणघात आदि कार्य के लिए किसी भी कार्य की शुरुआत होना वह आरंभ है। सोष अष्टम प्रतिमा धनी कुगति विजय रणथम, कुगति के, कुगति पर विजय स्थापित करने के लिए रणथंभ समान है। रणथंभ समझते हो आप, जीत हासिल होने के बाद युद्ध भूमि में गाड़ा जाता है रणथंभ, नहीं समझते हो आप, झंडा उनका अपना अपना, जो जीत होती है ना जिसकी, आपने नहीं देखा क्या क्रांति फिल्म देखी है किसी ने, क्रांति, क्रांति, अब वो जहां जहां पर अपनी जीत हासिल करता था वो अपना झंडा लगा देता था, क्रांति, वो एक झंडा अपना कि अभी यहां पर मेरा आधिपत्य चलेगा। तो वो कह रहे उसी प्रकार रणथंभ, वो कह रहे वो अपने विजय घोषित करके चार गति पर, वो अपना रणथंभ मतलब विजय घोषित की निशानी है। अभी वो आरंभ त्याग प्रतिमा को कितनी चढ़बड़ कर देख रहे, वे साधारण नहीं है ना ये जी, ये भी यहां पर बात आई है, विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम।